हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली आपकी नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकली है, जो कि आपकी कांस्टेबल जीडी की वेरियस पोस्ट की वैकेंसी हैं, उनके वेरियस डिसिप्लिन के बारे में आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकला उसके बारे में बात करेंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में एक एक करके आपको मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन में, जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकला है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, जब आपका 17-23 जुलाई को आपका आया है 2021 में, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी है। यहां पे कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म पुलिस आपका फोर्स, या कि आपका ठीक है सीपीएफ, आपका एनआईए एसएएफ, ठीक है राइफलमैन और असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। डेट आपका 17 से लेकर 31-8-2021 रहेगा। लास्ट डेट आपका टाइम रिसीट ऑनलाइन एप्लीकेशन 31-8-2021 11:30 तक। लास्ट डेट और टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 2-9-2021 आपको 11:30 तक, ठीक है। लास्ट डेट पे आपका टाइम आपका जनरेट आपका ऑफलाइन चैनल 4-9-2021 11:30 तक। लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर 7-9-2021, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टीयर वन आपको जल्दी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसके लिए आपका अप्लाई कर सकते हैं, मेन आपका फीमेल दोनों। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव वर्क प्लेस विच रिलीव टू जेंडर प्लेस बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। तो यहाँ पे आपकी जो वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली एक एक करके उन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो फ्रेंड, इन सब की वैकेंसी की जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को जुड़ें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी की डेली अपडेट। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब और रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको वैकेंसी देखने मिल जाएगी, स्टाफ सिलेक्शन आपका कमीशन कंडक्ट ओपन क्वांटिटी आपका एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट द पोस्ट, या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। वो पोस्ट आपका कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, यही सब इंडो ताइवान बॉर्डर से आपका आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी आपका सेक्रेटरी आपका सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, राइफलमैन आपका अकिन आसाम राइफल एज पर द रिक्रूटमेंट स्कीम। तो यहाँ पे आपके जो वैकेंसी है उसके बारे में है। यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइजमेंट एसएस विल बी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेट एमएचए, ठीक है। यहाँ पे आपका आवेदन होगा ऑनलाइन मोड पर, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा अंग्रेजी और हिंदी में, आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, ठीक है। आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब आपके रहेगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई शेड्यूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगी। बीएसएफ की यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबी, एआर, एनआईए, एसएसएफ की टोटल वैकेंसी है। मेल कैटेगरी में 22,000 पोस्ट हैं, फीमेल में यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2800 टोटल पोस्ट हैं आपकी ग्रांट, 25,271 पोस्ट आपकी वैकेंसी निकली है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैकेंसी है इनकी आपकी डिटेल देखने मिल जाएगी, 6,461 वैकेंसी है बीएसएफ की, सीआईएसएफ की 7,610 मेल कैटेगरी में है, ठीक है। सीआरपीएफ की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, एसएसबी में यहाँ पे 3,806, आईटीबीपी की 1,216, एआर की 3,185, एनआईए की है नहीं है, ठीक है। एसएसएफ की यहाँ पे 194 पोस्ट है। इसी तरीके से फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका पे स्केल जो रहेगा पे लेवल 3 का 21/69 रहेगा, वैकेंसी यहाँ पे आपको नीचे देखने मिल जाएगी, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है crpf.gov.in, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखते हैं द वैकेंसी टेंटेटिव एनी चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी आपको इंटीमेटेड थ्रू वेबसाइट, आपको पता चल जाएगा। 10% वैकेंसी जो आपका अर्न मार्क है फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए है वो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे भारतीय नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आयु 18 से 23 दे रखी है 1/8/2021 के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी आयु होनी चाहिए, यहाँ पे आपको 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003 के बीच में आपका पैदा होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। एस सी एस टी है तो 5 साल, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एज रिलैक्शन के बारे में दे सकते हैं, किन किन के लिए लोगों के लिए यहाँ पे दे रखा वो यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप एस सी एस टी हैं, ओबीसी हैं, इग्नोरी सेक्टर है तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट से पहले आपका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही या तभी मान्य माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद का वो यहाँ पे नहीं, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये दे रखी है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैंडिडेट और एक्स सर्विस मैन है, एस सी एस टी है, वो यहाँ पे इनके लिए कोई फीस एग्जम्प्टेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन फी आप जमा कर सकते 2/9/2021 से 11:30 बजे तक, ठीक है। बैंक चालान आपका 7/9/2021 तक आपका रहेगा, ठीक है। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन सबमिट करने की 31/8/2021 से 11:30 तक, ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो फिल करेंगे कैंडिडेट भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सेम रिकॉर्ड होना चाहिए, हाई स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/2021 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आपका देखिए मस्ट है आपका हाई स्कूल होना चाहिए, 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आपको देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रखा है आपका जो फोटो रहेगा 20 से 50 KB के बीच में रहेगा, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी आपका विदाउट कैप, यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है। तो जैसे फ्रेंड ये लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों उसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर और उनके सेंटर कोड, जैसे भागलपुर का यहाँ पे दे रखा है, आगरा का यहाँ पे दे रखा है, SSC रीजन और स्टेट का यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सेंटर रीजन CR आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का है, इनके एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस एंड द वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है इनकी, यहाँ पे आप दे सकते हैं उनके आपके जो सेंटर है उनके सेंटर रीजन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। स्टेट वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क आपको दिए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 90 मिनट आपके पूरे ड्यूरेशन होंगे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जनरल नॉलेज आपका जनरल अवेयरनेस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और हिंदी का 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर आपका जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन पे आपका फिजिकल आपका रहेगा, PST रहेगा आपका, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका, रिवाइज आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब आपके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में डिटेल है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑल आपके क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रहेंगे और कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। तो यहाँ पे आपके जो पेपर जो कंडक्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगा, केवल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 नंबर होंगे आपके गलत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे नो प्रोविजन फॉर री इवेल्यूशन री चेकिंग का कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई माध्यम नहीं है, तो आप री चेकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। जो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा क्वेश्चन आएंगे हाई स्कूल के बेस्ड पर रहेगा, हाई स्कूल लेवल का रहेगा। वॉकिंग थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट आपके होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको प्रोवाइड हो वेबसाइट पर, ठीक है, वो देखने को मिल जाएगा। आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, एनालिटिकल और एबिलिटी आपके और ये सब रहेंगे यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है, ठीक है। इनके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका इंग्लिश और हिंदी रहेगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके पूरी क्राइटेरिया दे रखा है, एक एक करके बता देता हूँ। फिजिकल टेस्ट यहाँ पे 5 किलोमीटर 24 मिनट में फीमेल के लिए, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं आपका 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट में आपका रहेगा और आपका 800 मीटर आपका रहेगा 4 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हो फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है। यहाँ पे इसकी और आपके अन्य नीचे डिटेल देखने को PST देखने को मिल जाए। फिजिकल आपका स्टैंडर्ड दे सकते हैं आपके मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी कैटेगरीज वाइज। ऑल रिलेक्शन रहेगा आपका दे सकते ऑल कैंडिडेट SC ST हैं तो यहाँ पे 162 मेल के लिए, फीमेल की 150, आपका दे सकते हैं शेड्यूल ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर की 157.147.5 फीमेल, आपका ऑल शेड्यूल आपका लेफ्ट विंग है आपका 160.47.5 कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी गढ़वाल कुमायूं के 165.55, यहाँ पे इस तरीके से आपको दे रखा है। कैंडिडेट आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहाँ पे देखो 162.5, 152.5, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। मेल आपका जो है चेस्ट आपका मेल कैंडिडेट का रहेगा, यहाँ पे 80 फुलाकर 5 सेमी आपका एक्सटेंड रहेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू ST है, आपका हाइट दे रखा है तो उनके बारे चेस्ट के यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे 66 आपका 76 रहेगा, आपका 5 सेमी एक्सपेंस रहेगा। कैंडिडेट आपका देख सकते हैं जो कि कुमायूं के, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के 78 आपका 5, यहाँ पे आपको कैंडिडेट बिलोंग टू गोरखा 77 और 5 यहाँ पे आपको दे रखा है, एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आपको दे रखा है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। ऑल टाइमर DME आपका आपको प्रोड्यूस करना होगा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जैसे हाई स्कूल का आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन,
इसमें एज नेम, आपका एजुकेशन का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट यदि है, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट फॉर्म आपका डिफेंस पर्सनल फॉर्मेट प्रिस्क्राइब एनएसक्यूआर 3 में है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, अंडरटेकिंग फॉर्मेट एनएसक्यूआर 4 में देखने में, कास्ट रिलेटेड आपका 5, 6, 7 में दे रखा है, ठीक है, तो ये सब आपके सर्टिफिकेट है और नीचे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी मेडिकल एग्जामिनेशन पर जाएंगे, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट SEFF, तो इसका आपका लिंक दे रखा इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एडमिशन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आपको क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके बारे में जानकारी आ रही है, ठीक है। आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड में से किसी एक होना चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रहेगा PST, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो आपको कट ऑफ मार्क आपका रहेगा, तो यहाँ पे आप जैसे NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, नेक्स्ट आपका स्टेट आपका PET PST। यहाँ पे इकोनॉमी सेक्टर आपका एक सर्विस, OBC कैंडिडेट 33%, यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट जो होल्डर है CBA 5 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क आपको रहेंगे। मेल फीमेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट वाइज स्टेट और एरिया वाइज होगा और कैटेगरीज वाइज आपको किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। जो सक्सेसफुल आपके होते हैं उनके बाद आपको एग्जामिनेशन पास करेंगे, पेट आपका PST होगा, कंसीडर एलिजिबल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। डिटेल आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा, फिर इसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हो ऑर्डर टू प्रायोरिटी, यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट हैव टू प्रिफेयर फॉलोइंग CPF आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर प्रायोरिटी, आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फिलिंग द 6 प्रेफरेंस आपकी रहेगी, इनमें से आपको 6 प्रेफरेंस आपके अपने अनुसार जिसको प्रेफर देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे पाएंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा क्वालिफाइंग PET PST और DV मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए हेल्पलाइन नंबर देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, तो कैंडिडेट माय कॉन्टैक्ट ओरिजिनल हेल्पलाइन सर्टिफिकेट आपका क्लियरिफिकेशन इफ एनी रेस्पेक्ट फिलिंग सबमिट एप्लीकेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के, तो उनके आपका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आपको उसको दे सकते आपके आपके उनके अनुसार आपके सेंटर के अनुसार, ठीक है। नीचे पूरे रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी दे रही है, किस तरीके से आवेदन करना है उसके बारे में आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इनका लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से करना है, यहाँ पे इन्हें चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी जानकारी आपकी SSC में निकली भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी कॉन्स्टेबल की GD की पोस्ट के बारे में था, जिसकी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी की अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए।